तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एम एसी के अमित और आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ चीज़ें हैं। यस, इसका नाम है फैन हीटर। सो एक्चुअली मैंने कल परचेज़ किया था, तो मैं सोचा चलो आपको क्यों ना बता दूं कि मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूं। हालांकि तो चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में। ये पड़ी मेरे को 1900 रुपये में, मीन्स 1900 में, और ये कम से कम एक साल का वारंटी है क्योंकि बेंगलुरु में वेदर बहुत ठंडा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट है फ़ैन हीटर, मॉडल हॉट वेव, कलर वाइट, नेट क्वांटिटी 1 यूनिट, इनपुट पावर 230 वोल्ट, फिर वोल्टेज है 2000 वोल्टेज है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 2450 मीन्स 2450। सो मैंने ली थी 1900 रुपये में। सो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है बॉस। अमेजोन में आपको 900, 800 और 1200 से तक मिलेगा, पर ये डीको कंपनी है, फैन हीटर है। सो मैं सोचा कि चलो अनबॉक्सिंग कर ले पहले। सो चलो आपके सामने एक बार अनबॉक्सिंग करता हूँ और प्रोडक्ट को बाहर निकालता हूँ। तो ये रहा मेरे सामने एक अच्छा फैन हीटर। वाह, थोड़ा हैवी है यार, लिटल हैवी तो है। ये भी थोड़ा एल्यूमिनियम का है और गुड फंक्शनिंग भी अच्छा है। और इसमें मतलब ये बंद होता है, ये फ़ैन है, ये फर्स्ट पे, मतलब फर्स्ट पे वो लाल बत्ती, मतलब बोलते हैं ना ऑरेंज टाइप का जलेगा, फिर सेकंड पे दोनों जलेगा ऐसा। और ये अपना स्पीड को बढ़ा सकते हो, मीन्स अगर आपको बहुत गर्म चाहिए तो आपको ये फुल पे लेना होगा, और अगर आपको गर्म नहीं चाहिए, मॉडरेट चाहिए, तो आप इसको इस तरह से यूँ घुमा ले, तब जाके ये इतना ही मतलब लिमिटेड आपको हीट देगा। सो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, और शायद आज रात में टेस्ट करके देखूंगा कि कितना हीट आ रहा है कितना नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है ना मेरे फ्रेंड यार। तो आप बुरा मत सोचिएगा, मतलब कुछ ऐसा मत सोचना कि सर ने प्रोडक्ट तो लिया, लेकिन एक बार मैं पहला यूज़ तो करूँ ना इसको, एक बार यूज़ करके तो मैं दिखा तो सकता हूँ, लेकिन आपको महसूस तो नहीं करा सकता ना इसके लिए। सिर्फ लाइट चलेगी, लेकिन ये चलेगा तब पता चलेगा ना। सो तो बॉस मुझे बताना ये कैसा है क्या नहीं, और अच्छी क्वालिटी का है यार, डीको कंपनी का। एक दूसरा है समथिंग ऐसे अमेजोन में मिलेगा, आप अगर आप चेक करने जाओगे तो बहुत सारी इसके लिए, लेकिन मैंने इसको शॉप से परचेज़ किया है विच इज़ वेरी क्वाइट चीप है। डू नॉट कवर सेफ, डू नॉट कवर करके लिखा है। अच्छा, हाँ, इसको कवर नहीं करना। और बहुत सबसे खासियत बात है कि ये ऑटोमेटिक एक बेडरूम को पूरा अच्छे से आपको गर्म कर देगा, और दूसरा बेडरूम को गर्म के साथ साथ आप बेडरूम को लॉक कर दो और बाद में ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ भी हो जाएगा। इसमें कुछ वायरिंग शॉर्ट सर्किट की तो है नहीं, क्योंकि 1-2 साल का वारंटी दिया है। वैसे भी आप देख सकते हो फैन हीटर 2008 कंपनी। वैसे भी यार, वैसे बेंगलोर में ना इतना दिन से जो बारिश गिर रही है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, मतलब पूरा घर ठंडा था और इतना ठंडा, और जब मैं पानी मुँह पे मार रहा था ना तो मतलब बर्फ़ जैसा लग रहा था। सो मैंने बोला सोचो चलो के रूम में अपना हीटर है थोड़ा बैठ जाए उसके सामने। देखो इसमें फीचर्स लिखा है, 2 हीटर पावर है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, एडजस्टेबल थर्मोस्टेट विथ ऑटोमेटिक कट ऑफ फंक्शन। देखो जैसे थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला था ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा, कूल वार्म हॉट एयर ब्लो, ओवर हीट प्रोटेक्शन, कैरी हैंडल बहुत ईजी है यार, आप आराम से कैरी कर सकते हो। सो बस सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूँ कि मैंने कुछ नया आइटम लिया है, तो बस मैं कुछ ऐसे ही करूंगा अपना वीडियो में। सो जैसा कि जब भी कुछ मैंने नया आइटम लिया तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। मुझे आप बता देना ये कैसा है क्या नहीं है, तो आप लोग को आप जिस स्टेट पे रहते हो वहाँ का वेदर कैसा है। लेकिन मेरा बेंगलोर का वेदर पिछले कई महीने से बहुत ठंडा है और बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। सो होटल्स में देखा था, लेकिन अभी मेरे पास भी है एक चीज़ है। सो चलो मैं अभी अपना एक वीडियो यहाँ पर थोड़ा एंड अप करता हूँ, ठीक है। तो अभी कल कुछ नया ब्लॉग का बारे में आइडिया डालता हूँ, कुछ नया आइडिया के हिसाब से एक और ब्लॉग कल बनाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोग से अलविदा लेता हूँ, और कमेंट बॉक्स प्लीज़ लिखना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि भाई अभी आपका एसी के धीरे धीरे नए नए वीडियोज़ डालते रहेगा। सो अभी आप लोग से मैं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।